वेलकम बैक टू पावर बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों यूनिट 4.4 द साइन ऑफ 4 चैप्टर 3 जो कि एक एक्सट्रैक्ट का भाग है वो चैप्टर 3 हमने ऑलरेडी शुरू किया है और उसमें हमने अभी तक देखा है कि किस तरह से शेरलॉक होम्स बाहर से घर आते हैं, डॉक्टर वॉटसन से वो बात करते हैं और केस के बारे में बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये केस मैंने लगभग सुलझा लिया है और मुझे कुछ धागा मिला है, इसका सुलझा नहीं लिया है पर उसका मुझे कुछ धागा मिला है और हो सकता है आज रात की मीटिंग में हम इसको सुलझा देंगे ऐसा। पर जब मेरी मास्टर उनके घर आती है और वो दो तीनों भी निकल रहे हैं तो बीच में वो बात कर रहे हैं तो मेरी मास्टर उसको एक चिट्ठी भी दिखा देती है शेरलॉक होम्स को, जिसको पढ़ने के बाद शेरलॉक होम्स कहता है कि मुझे जैसा लग रहा था जितना आसान ये केस है उतना आसान ये केस नहीं है और इसमें बहुत सारी और बातें जुड़ी हुई है और इसलिए मुझे इस केस के बारे में फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, फिर से एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए ऐसा शेरलॉक होम्स बता रहे हैं। और जैसे ही वो लाइसियम थिएटर के थर्ड पिलर के पास पहुंचते हैं वहां पर एक गाड़ीवान उनको लेने के लिए खड़ा हुआ है और वहीं से फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था पेज नंबर 214 पर तीसरा पैराग्राफ हमने देख लिया है, हम चौथे पैराग्राफ के साथ आगे बढ़ने वाले हैं जहां पर वो लाइसियम थिएटर के तीसरे पिलर के पास पहुंच चुके हैं और वहां पर एक आदमी उनको लेने के लिए खड़ा है। Are you the parties who come with Miss Morstan? He asked. I am Miss Morstan and these two gentlemen are my friends, said she. He bent a pair of wonderfully pertaining and questioning eyes upon us. You will excuse me, miss, he said with a certain dodged manner, but I was to ask you to give me your word that neither of you or your companion is a police officer. और फिर जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो व्यक्ति, वो जो गाड़ीवान होता है, वो ही उनसे पूछता है कि क्या आप मिस मॉर्स्टन के साथ आए हो, ऐसा वो सभी को पूछ रहा है। और फिर मिस मॉर्स्टन आगे होती है और आगे बढ़कर उसे कहती है, हाँ मैं ही मिस मॉर्स्टन हूँ और ये दो मेरे दोस्त हैं। और फिर वो व्यक्ति मिस मॉर्स्टन से सवाल करता है, मिस मॉर्स्टन माफ कीजिएगा पर मुझे ये पूछना बहुत जरूरी लग रहा है कि आप या आप में से आपके दोस्तों में से कोई भी पुलिस ऑफिसर तो नहीं है, ऐसा वो उसे पूछ रहा है। I give you my word on that, she answered. और फिर वो उससे कहती है कि मैं पूरे दिल से आपको सच्चाई से कह रही हूँ कि हम में से कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है, मैं इस पर आपको मेरा शब्द देती हूँ कि हम में से कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है। He gave a shrill whistle on which a street arab led across a four-wheeler and opened the door. और फिर उसने सीटी मारी और सीटी मारने के बाद वो एक गाड़ी वहां पर आई, एक अरब ने वो दरवाजा खोला और ये सारे लोग उसमें जाकर opened the door. The man who had addressed us mounted on the box while we took our places inside. और फिर वो अरब वहां पर गाड़ी लेकर आया और वो आदमी गाड़ी चलाने के लिए बैठ गया और हम उस गाड़ी के अंदर। We had hardly done so before the driver whipped up his horse and we plunged away at a furious pace through the foggy streets. और हम अंदर जाकर बैठ भी नहीं सके थे कि उसने जोरों से गाड़ी हकालना शुरू कर दिया और बहुत जोरों से गाड़ी रास्ते पर दौड़ रही थी। The situation was a curious one. और ये जो सारा घटनाक्रम था ये बहुत ही चकित करने वाला था, आश्चर्यकारक था। We were driving to an unknown place on an unknown errand. हमें पता नहीं था हम जा कहाँ रहे हैं, हमें पता नहीं था हम जा कहाँ रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं था। Errand, errand का मतलब होता है काम। Errand का मतलब होता है काम। Yet our invitation was either a complete hoax, which was an inconvincible hypothesis, or else we had good reason to think that important issues might hang up upon our journey. और हमें जो निमंत्रण मिला था हो सकता है वो पूरी तरह से गलत था या फिर एक फंसाने के लिए कुछ किया गया था, या हम ये ऐसा भी सोच सकते थे कि इसमें से कोई ना कोई चीज निकल कर आएगी और हमें बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलेगी, ऐसा मैं सोच रहा था।
मिस मॉस्टन्स डिमीनर वाज अ रिजोल्यूट एंड कलेक्टेड एज एवर। मिस मॉस्टन बहुत ही धैर्य से वहां पर बैठी हुई थी, वो हमेशा की तरह। I endeavored to cheer and amuse her by reminiscence of my adventures in Afghanistan. और फिर मैं मिस मॉस्टन को बताने की कोशिश कर रहा था कैसे मैं अफगानिस्तान गया था वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये कहानियां मैं उनको सुना रहा था ताकि क्या कह सकते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा और अच्छा लगे। But to tell the truth, I was myself so excited at our situation and so curious as to our destination that my stories were slightly involved. पर सच्ची बताऊं तो मैं भी इतना curious था, मैं भी इतना excited था जिस जगह पर हम जाने वाले थे और जो चीजें हमें पता चलने वाली थी उससे मैं इतना excited था कि भले ही मैं कहानियां उनको बता रहा था पर मैं खुद उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, मैं खुद दिल से वो चीजें उनको नहीं बता रहा। To this day, she declares that I told her one moving anecdote as to how a musket looked into my tent as the dead of night and at the dead of night and how I fired a double-barreled tiger cub at it. And और फिर वो कह रहे हैं कि किस तरह से वो कहानी बता रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत गलत सा कुछ बता दिया कि मैंने बंदूक के गोली मेरी तरफ देख रही थी और मैंने कैसे शेर की गोली उस पर दाग दी वगैरह वगैरह कुछ अलग ही। मैं एट फर्स्ट आई हैड सम आइडिया एज टू द डायरेक्शन इन विच वी वर ड्राइविंग। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि हम जिस ओर, अभी ये सब नरेशन जो है वो नरेशन डॉक्टर वॉटसन कर रहे हैं और शुरुआत में वो कहते हैं कि शुरुआत में हम जिस ओर जा रहे थे उसका थोड़ा सा ज्ञान मुझे तो था पर धीरे धीरे बट सून वॉट विथ अवर पेस द फॉग एंड माई ओन लिमिटेड नॉलेज ऑफ लंडन I lost my bearings and knew nothing save that we seemed to be going a very long way. शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने हैं पर बाद में वो जो घना कोहरा था, कोहरे की वजह से और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे थे उसको देखते हुए धीरे धीरे मुझे जितना भी लंदन पता था उससे बाहर हम आ चुके थे और सिर्फ एक ही बात की जानकारी मुझे मिल रही थी कि हम बहुत ही दूर जा रहे हैं। Sherlock Holmes was never at fault, however, and he muttered the names as the cab rattled through squares and in and out by tortures by street. और Sherlock Holmes मतलब Sherlock Holmes पर इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, कोई परिणाम उस पर नहीं हुआ था। हम जा पा रहे कुछ नहीं, उसके दिमाग में तो उसकी सोच चल रही थी और वो कुछ नाम ले रहा था और कुछ लिख रहा था, कुछ बात कर रहा था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। रोचेस्टर रो से ही नाउ विंसेंट स्क्वायर नाउ वी कम आउट ऑन द वॉक्स हॉल ब्रिज रोड वी आर मेकिंग फॉर द सरे साइड अपेरेंटली। यस आई थॉट सो नाउ वी आर ऑन द ब्रिज यू कैन कैच ग्लिम्स ऑफ द रिवर। और फिर वो बात, वो जो नाम ले रहा था वो सारे जगहों के नाम थे। अभी हम रोचेस्टर रो में आए हैं, अब विंसेंट स्क्वायर में है और वॉक्सल ब्रिज पर है, अभी हम सरे साइड की तरफ जा रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। देखो आज अभी हम पुल पर है इसलिए आप नदी भी देख सकते हो। वी डिड इंडीड गेट अ फ्लिटिंग व्यू ऑफ द स्ट्रीट ऑफ अ स्ट्रीट ऑफ द थेम्स विद द लैंप्स शाइनिंग अपॉन द ब्रॉड साइलेंट वाटर बट आवर कैब डैश्ड ऑन and was soon involved in a labyrinth of street upon the other side. और फिर क्या हुआ कि हम देख रहे थे कि हम वहाँ पर थेम्स नदी के ओर देख रहे थे, थेम्स नदी के ऊपर से हम जा रहे थे और जैसे हमने उसको देखा फिर धीरे से हमारी गाड़ी मुड़ी और फिर छोटी छोटी गलियारों में से हमारी गाड़ी labyrinth मतलब क्या होता है जैसे एक जाली होती है ना, ऐसे छोटे छोटे रास्ते एक रास्ते में से दूसरा रास्ता ऐसे पेड़ों के तरह जैसे जैसे वो रास्ता लैबरिंथ उसको कहते हैं। लैबरिंथ मतलब बहुत ही गलियारे ज्यादा, एक गलियारे से दूसरे गलियारे ऐसे करके गली गली में से वो जा रहे। वर्ड्सवर्थ रोड सेड माय कंपेनियन ट्रायल रोड लार्क हॉल लेन स्टॉकवेल प्लेस रॉबर्ट स्ट्रीट कोल्ड हार्बर लेन आवर प्लेस डज नॉट अपीयर टू टेक अस टू अ वेरी फैशनेबल रीजन। और फिर धीरे धीरे वो बात करते हुए जगहों के नाम ले रहा था और नाम लेते लेते फिर वो कह रहा है
अच्छी जगह पर, अच्छी जगह पर मतलब बहुत ही अमीर एरिया में जा रहे हैं, हम तो बहुत ही थोड़े से साधारण से एरिया में जा रहे हैं, ऐसा शेरलॉक होम्स बता रहा है। We had indeed reached a questionable and forbidding neighborhood. Long lines of dark brick houses were only relieved by the coarse glare and tawdry brilliance of public houses at the corner. और फिर हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर कि सही में देखा जाए तो सवालिया निशान था कि हम आए कहां पर हैं। बहुत ही डल ब्रिक हाउसेस, बहुत ही जिसको मेंटेन नहीं किया गया है, जो बहुत दिनों से जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे घर थे जो डल थे, जिनके रंग उड़ चुके थे वगैरह, ऐसे घर के पास हम पब्लिक हाउसेस के पास आए जहाँ पर बहुत सारे घर थे। Then came rows of two-storied villas, each with fronting of miniature garden, and then again interminable lines of new, staring brick buildings. और फिर कुछ बंगले हमें दिखाई दिए जिसके सामने थोड़ा छोटा सा गार्डन वगैरह था, और फिर से एक बार वही ईंटों के घर, बिल्डिंग बड़ी बड़ी हमें दिखने लगी। The monster tentacles which the giant city was throwing out into the country. और ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या मानो जैसे कोई प्राणी हो जिसकी पूंछ या फिर जिसके कुछ हाथ पैर ऐसे बढ़ रहे हो आगे आगे, उस तरह से ये रास्ता, ये जो एरिया है हमें दिखाई पड़ रहा था। At last, the cab drew up at the third house in a new terrace. और आखिरकार तीसरे घर पर जाकर हमारी गाड़ी रुकी। None of the other houses were inhabited, and that at which we stopped was as dark as its neighbors. और ये जो जितने भी घर यहाँ पर आसपास में थे, इसमें कोई भी रहता हो ऐसा नहीं लग रहा था। और हम जिस घर के सामने रुके थे, वो घर भी पूरी तरह से अंधेरे में खोया हुआ था और बहुत अंधेरा था उसमें, और उसमें भी कोई रहता हो ऐसी आशंका हमें बिल्कुल भी नहीं आई। मतलब वो देखिए, उनको जहाँ पर बुलाया गया था वो एक लंदन का बहुत ही पॉश एरिया था, बहुत ही अमीर एरिया था, जहाँ पर थिएटर है, लाइसियम जैसा थिएटर है, आसपास में बहुत सारी बिल्डिंगे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे उस समय के, और ये बहुत ही अच्छा एरिया था। पर उनको जहाँ पर ले जाया गया है, उनको जिस ओर ले जाया गया है, वो बहुत ही बाहर वाला हिस्सा था लंदन के, और जो बहुत ही समय से हो सकता है वहाँ पर कोई रहता नहीं हो, या फिर रहते भी हो तो बहुत ही साधारण परिवार वहाँ पर रहते हो जिनकी आमदनी बहुत ही कम है, ऐसे कुछ हिस्से में उनको ले जाया गया था। और जहाँ पर जाकर के उन्होंने देखा कि उस एरिया में जो घर है वहां पर ऐसा लग रहा था कि सारे साधारण कुटुंब, साधारण परिवार रहते हो, पर जब वो आगे बढ़े तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो इसमें कोई रहता ही नहीं है। और जिस घर के सामने वो रुके थे वहां पर भी इतना अंधेरा था कि शायद उस घर में भी कोई रहता हो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। None of the other houses were inhabited, save for a single glimmer in the kitchen window. और हम जिस घर में जा रहे थे वहां पर भी पूरा अंधेरा था, सिर्फ किचन के उस खिड़की में एक छोटी सी रोशनी वहां पर दिखाई पड़ रही थी। On our knocking, however, the door was instantly thrown open by a servant clad in a yellow turban. और जैसे ही हमने दरवाजा खटखटाया तो हमने देखा कि एक पीले फेटे वाला जो नौकर है वो आया और उसने तुरंत ही दरवाजा खोला। White loose fitting clothes and a yellow sash, और उसके गले में एक येलो मफलर भी थी, पीली मफलर भी थी, और पूरा सफेद ड्रेस उसने पहना हुआ था। There was something strangely incongruous in this oriental figure framed in a commonplace doorway of a third-rate suburban dwelling house. और वो कह रहा है कि इस तरीके के जो नौकर होते हैं वो बहुत ही ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब राजेशाही है ना, राजे मतलब ठाट बाट महा है ना, महलों में ऐसे प्रकार के महलों में होते हैं। ओरिएंटल मतलब कोई बड़ा सा व्यक्ति, बहुत ही अमीर और बड़े खानदान का व्यक्ति थे। तो वो कह रहा है, डॉक्टर वॉटसन हमको बता रहे हैं कि ये जो नौकर था
जिसने बहुत एक ड्रेस पहना हुआ था, सफेद ड्रेस था, पीला फेटा था और पीला सैज भी उसके गले में था। तो इस प्रकार का नौकर जहां पर जिस घर में था, वो घर और ये नौकर दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, इनकॉन्ग्रुअस लग रहा था। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है कि इसको हम कहेंगे आउट ऑफ प्लेस है, आउट ऑफ प्लेस मतलब जच नहीं रहा था, जचना है ना, जचना न जचना है ना, ये जच नहीं रहा था। मतलब जिस प्रकार का ऐसा ऐसा मान लीजिए कि जैसे कोई अच्छा सा शोफर होता है ना, शोफर मतलब गाड़ी, शोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। अभी ये शोफर और ड्राइवर में भी फर्क होता है। देखिए कुछ बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं उनको एक स्पेशल प्रकार का ड्रेस होता है ना, सफेद ड्रेस होता है, टोपी वगैरह होती है, तो उसको शोफर कहा जाता है। शोफर मतलब क्या होता है? तो वो सिर्फ गाड़ी चलाता ही नहीं है, तो अपने मालिक का ख्याल भी रखता है। मतलब वो दरवाजा खोलना, मालिक को अंदर बिठाना, और मान लीजिए कि ऐसा कोई शोफर है बहुत अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ, और वो जो गाड़ी चला रहा है तो वो गाड़ी भी कैसी होगी? बहुत बढ़िया गाड़ी होगी, बड़ी गाड़ी होगी, मर्सिडीज बेंज होगी या फिर बहुत महंगी गाड़ी होगी, है ना। पर अगर सोचो कि ऐसा ही एक शोफर है जो 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 गाड़ी चला रहा है वो एक कोई खटारा रिक्शा है ना, तो कैसे वो हमें जचेगा नहीं? तो उस तरह से ये नौकर भी उस घर में, क्योंकि वो घर तो एक साधारण परिवार का घर लग रहा था और उसमें इस प्रकार का नौकर, ये बहुत ही न जचने वाली बात हो रही थी, ये बहुत ही आउट ऑफ प्लेस बात हो रही थी। क्योंकि ये जो घर था ये एक तो शहर के बहुत ही बाहर, बहुत ही साधारण से एरिया में ये घर था, और बहुत ही साधारण घर था। द साहिब अवेट सी, और फिर उसने कहा कि साहब आपका आपकी राह देख रहे हैं। सेड ही, एंड इवन एज ही स्पोक देयर केम अ हाई पाइपिंग वॉइस फ्रॉम सम इनर रूम, और जब वो इन सभी को अंदर ले जा रहे थे तब एक बहुत ही बड़ी ऊंची आवाज उनको सुनाई दी। शो देम इनटू मी, खिदमतगार, इट क्राइड, और फिर उसने आवाज दी, वो जो नौकर था उसको बताया, खिदमतगार उनको मेरी ओर लेकर आओ, इट क्राइड, शो देम स्ट्रेट इनटू मी, वो उन्हें सीधे मेरी तरफ लेकर आओ, ऐसा वो उस व्यक्ति ने कहा। तो जैसे ही वो लोग अंदर आए तो उनको एक आवाज भी सुनाई दी, और वो आवाज उनको सीधे नौकर को आदेश दे रही थी कि सीधे इन लोगों को मेरी ओर लेकर के आओ, ऐसा वो कह रहे थे। ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड जो चैप्टर है वो हमने देख लिया है, और यहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए इस पूरी स्टोरी में हमने जो एक्सट्रैक्ट इसमें देखा है, तो ये एक्सट्रैक्ट को एक बार मैं रिवाइज करूंगा और फिर आपको स्टोरी का एक शॉर्ट में इस पूरी स्टोरी की आपको सिनॉप्सिस दूंगा या फिर समरी दूंगा। ठीक है, अभी ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी का जो समरी है, इसमें बात एक है कि किस तरह से मेरी बॉस्टन डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स के पास आती है और उनसे मदद मांगती है कि देखिए मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर वो सारी चीज़ें उनको बता देती है कि किस तरह से 10 साल पहले उसके पिता जहां भारत में तैनात थे, भारत में नौकरी करते थे, वहां से वो लंदन आ चुके थे, और लंदन आकर उन्होंने उसको चिट्ठी लिखी थी कि आप मुझे आकर के एक लंदन के एक होटल में मिले। तो जब वो उनको मिलने गई तो उन्हें बताया गया कि वो रुके तो यहीं पर है, पर कल रात से वो गायब है और वो अभी तक होटल नहीं लौटे, ऐसी जानकारी उसको मिलती है। फिर ये जानकारी देने के बाद उसको वो कहती है कि उस दिन वो गायब हो गए, तो उस दिन के बाद कुछ सालों के बाद, उस दिन वो दिन गया और कुछ सालों के बाद उनके पिता के गायब होने के दिन पर ही कुछ सालों के बाद उनको
हर साल एक मोती मिलने लगा और फिर 6 साल उनको ये मोती मिले और 6वें साल उनको एक पत्र भी मिला जो कि उस दिन का दिन था जब वो शेरलॉक होम्स से मिलने आई थी। और उस पत्र में कहा गया था कि आपके साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई है और इसलिए आपको मुझसे मिलना चाहिए। और फिर वो पत्र लेकर शेरलॉक होम्स के पास आई और शेरलॉक होम्स को उसने बताया कि किस तरह से इस सारी चीजों में उसको आना चाहिए। और शेरलॉक होम्स ने भी फिर उसकी मदद की, वो सब जाते हैं वहां पर, फिर उनको एक जगह पर ले जाया जाता है जहां पर एक आदमी से उनकी मुलाकात होती है। और फिर वहां पर जाने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो व्यक्ति वहां पर होता है, व्हेन दे अराइव द फैमिली स्टे द फर्स्ट, वो उनको बताया जाता है कि भाई यहाँ पर जो व्यक्ति है, फिर किसी तरह से उनको पता चलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और फिर वो हत्यारे की खोज में निकल पड़ते हैं। तो वो थेम्स नदी के किनारे आ जाते हैं, फिर उनको वहां से पता चलता है कि किस तरह से वो हत्यारे कुछ एक बोट लेकर के आगे बढ़ गए। फिर वो वॉटसन को भेजते हैं, शेरलॉक होम्स वॉटसन को भेजते हैं कि जाओ मेरे जो जितने भी रास्ते के बच्चे हैं उनको लेकर आओ, वो सब ढूंढने में मदद करेंगे। और फिर वो खुद भी अपना ड्रेस बदल कर उसको कहते हैं कि मेरा भी ड्रेस लेकर आओ, और वो ड्रेस बदल के फिर यहाँ पर घूम रहे हैं और आखिरकार वो ढूंढ ही निकालते हैं। वो ऑरोरा नाम की एक छोटी सी जहाज, छोटा सा बोट होती है जो जहाँ जिसको हायर किया गया था, जिसको भाड़े पर लिया गया था, और फिर वो पुलिस के बोट के साथ में उसका पीछा करते हैं। और जब उसको पकड़ लेते हैं तो उस पर एक आदमी जो है वो उनकी ओर ब्लो पाइप में से उनको मारने की कोशिश करता है, पर जब उस पर गोली चलाई जाती है तो उसको वो व्यक्ति वहां पर मर जाता है और एक ही व्यक्ति वहां पर बचता है और वो स्मॉल होता है। और वो स्मॉल जो कैप्टन स्मॉल होता है उसका एक पैर लकड़ी का होता है। कहानी में हमने देखा कि किस तरह खून हुए जगह पर हमें बताया जाता है कि एक लकड़ी का पैर वाला आदमी भी उसके साथ था वगैरह वगैरह, शेरलॉक होम्स हमें जानकारी देते हैं। तो जब वो स्मॉल को पकड़ते हैं तो स्मॉल उन्हें बताता है कि फिर वो स्मॉल उन्हें पूरी कहानी बताता है। स्मॉल कहता है कि किस तरह वो भारत में तैनात था और फिर एक दो जगह बदलने के बाद वो आगरा के बाहर का जो किला है, आगरा का जो किला है उसमें वो तैनात था, और आगरे के किले के अंदर जो वो तैनात था तो एक आदमी आकर उससे मिलता है, 3 लोग आकर उससे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि भाई हमें एक खजाना लूटना है क्योंकि एक राजा का खजाना लेकर उसका दूत आ रहा है, उसको अगर हम मार देंगे तो उसका खजाना हमें मिलेगा, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें भी इसका कुछ हिस्सा देंगे और अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें भी मार देंगे। तो फिर जान के डर की वजह से वो उसमें शामिल हो जाता है और फिर शामिल होने के बाद वो खजाना वो रोकती वो स्मॉल जो होता है वो उस व्यक्ति को रोकता है और ये तीनों मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं और वो खजाना लेकर कहीं पर छुपा देते हैं। पर वो ऐसे में ये सारा खून वगैरह पुलिस को पता चलता है, वो सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है और स्मॉल को अंडमान पर भेजा जाता है। स्मॉल जब अंडमान को भेजा जाता है तो स्मॉल को पता चलता है कि जो मेजर शोर्टो है उसको पैसे की जरूरत है क्योंकि उसको बहुत सारा पैसा लोगों का देना है। जब उसे पता चलता है कि लोगों का बहुत सारा पैसा इसको देना है तो वो उसको कहता है कि भाई आप मेरे यहाँ से निकलने के लिए हमें मदद करो। और फिर उसके साथ में मेजर शोर्टो को जब वो बात कर रहे हैं स्मॉल, तो वो कहते हैं कि उसके साथ में एक व्यक्ति भी होता है वहाँ का, वही का अंडमान का, और वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। पर होता क्या है कि शोर्टो जो होता है वो ये दोनों को डबल क्रॉस कर लेता है, वो खजाना लेकर भाग जाता है। फिर वो मॉर्स्टन से बात करता है और फिर मॉर्स्टन को भी वो खजाने में शामिल करने की बात करता है। फिर वो कहते हैं कि किस तरह से ये खजाना हमें बांट लेना चाहिए वगैरह वगैरह। पर जब ये सारे लोग यहाँ पर लंदन में आ जाते हैं, मतलब वो बाद में आते हैं, तो किस तरह से मेजर ये मॉस्टन होते हैं, मॉस्टन गायब हो जाते हैं, फिर कैसे शोल्टो जब वो अपनी डेथ बेड पर होता है तो स्मॉल वहां पर आता है और उसको देखता है तो वो मर जाता है, फिर उसको साइन ऑफ फोर दिखाया जाता है, वो चिट्ठी रखी जाती है ना, और फिर वो चिट्ठी रखने के बाद वहां पर स्मॉल देखता है कि ये
खजाना तो बार्थोलोमेउ के पास ही थे, वो बार्थोलोमेउ के पास जाते हैं और बार्थोलोमेउ को मारने की उनको कुछ जरूरत नहीं है, पर किस तरह से उसका जो उसके साथ वाला जो व्यक्ति होता है वो उसको कुछ बात करने में उनका मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और वो बार्थोलोमेउ को मार डालता है, वो खजाना लेकर भागते हैं। पर पुलिस जब उनका पीछा करती है तो वो कहते हैं हमने वो सारा का सारा खजाना पानी में डाल दिया, मैंने पानी में डाल दिया है। और फिर इस तरह से इसमें एक और कहानी भी जुड़ी है जो कि मेरी मॉस्टन और डॉक्टर वॉटसन की प्रेम कहानी हम उसको कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। पहले तो डॉक्टर वॉटसन सोचते हैं कि वो इतने पैसे वाली है, हो सकता है उसको खजाना मिल रहा है, अगर मैं उसको अभी बता दूं कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ तो शायद उसे ऐसे लगेगा कि सिर्फ पैसों के लिए मैं उसके साथ शादी करना चाह रहा हूँ, और इसीलिए वो अपनी ये चीजें उसको बताने से खुद को रोकते हैं। पर धीरे धीरे कहानी जैसे आगे बढ़ती है उनके दिमाग में से वो नहीं जाती है, और आखिरकार जब ये कहानी खत्म होती है, ये खजाने की बात पूरी हो जाती है, तब फिर वो जाकर मेरी मॉस्टर को कहते हैं कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और मेरी मॉस्टर भी उनके उस प्रस्ताव का स्वीकार करती है और फिर दोनों शादी के लिए तैयार हो जाती है। ये कहानी भी उसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। जहां तक एक्सट्रैक्ट की बात है तो एक्सट्रैक्ट में हमने देखा कि किस तरह से मेरी मॉस्टर उनको मिलने के लिए आती है और वो सारी चीजें उनको बता देती है, ये चैप्टर टू में हमने देखा, और फिर वो सारा केस उसको शेरलॉक होम्स को और डॉक्टर वॉटसन को बता देती है और उसे कहती है कि मुझे आज उसको मिलने के लिए जाना है। मेरी मॉस्टर उनको बताने के बाद वो भी दोनों तैयार हो जाते हैं, और तीसरे चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से वो वहां पर घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद लाइसियम थिएटर में आते हैं। लाइसियम थिएटर के बाहर वो लोग वो व्यक्ति उनका इंतजार करता हुआ खड़ा ही है और वो उनको लेकर के फिर घोड़ा गाड़ी से लेकर के पूरे लंदन शहर को पीछे डालते हुए बहुत ही दूर दराज के भाग में लेकर जाता है। और वहां पर जाने के बाद वहां पर एक व्यक्ति, एक दरबान जो उनका दरवाजा खोलता है, तो वो नौकर उस घर के लिए बहुत ही अटपटा सा लग रहा है, पर जब वो दरबान को अंदर लेकर आता है तो वो वहां पर एक किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ती है और वो कहता है कि इन सभी लोगों को मेरे पास लेकर आओ, सीधे मेरे पास लेकर आओ, उनको मेरे पास लेकर आओ। ये दो चैप्टर्स हमने एक्सट्रैक्ट के देखे, ठीक है। तो ये साइन ऑफ फोर नाम का नॉवल हमने पूरी तरह से देख लिया है, इसका एक्सट्रैक्ट भी देखा है, और इसकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा ये साइन ऑफ फोर नॉवल, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।